डू यू हैव एनी आइडिया कि गंगा के पानी से बदबू क्यों नहीं आती है? कोई आइडिया है आपको? जब भी किसी चीज से बदबू आती है, इसका मतलब है उसके अंदर कुछ जो है डिकम्पोज हो रहा है, सड़ रहा है, ठीक है। और ये जो डिकम्पोजिशन का काम है, ये करता कौन है? ये बैक्टीरिया करता है। तो गंगा के पानी में भी बहुत सारे बैक्टीरिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके पानी से सड़ने की स्मेल जो है आती नहीं है। इसका कारण है, गंगा के पानी में जो मौजूद बैक्टीरिया है उनके ऊपर एक वायरस अटैक करता है। जैसे हमारे ऊपर भी वायरस डिजीज कॉज करता है, वैसे बहुत सारे वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं। इनमें से एक वायरस है जिसको कि हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, और ये वायरस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करके बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। इसीलिए गंगा के पानी में जो भी बैक्टीरिया है वो थोड़े दिनों बाद जो है वो मर जाते हैं। इस वजह से गंगा के पानी से कभी भी जो है बदबू नहीं आती है, सड़ने की स्मेल नहीं आती है। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू।